हेलो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सपना होता है विदेश में पैसा कमाने का, और होना भी चाहिए क्योंकि अपने देश में अगर अपॉर्चुनिटीज 10-15 हज़ार या 20 हज़ार की मिल रही है तो बाहर जाके आप 20 से नहीं 40 से 50 हज़ार, 60-70 और 1 लाख रुपए तक मेहनत करके कमा सकते हो। तो अगर आप एजेंसीज की डिटेल जाना चाहते हो, पोलैंड की कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्री जो नई नई अभी उभर के आ रही है, बुल्गेरिया, क्रोशिया, रोमानिया, यहाँ पर लेबर जॉब के लिए आपको 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ मिल सकते हैं। सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, और एजेंसीज की डिटेल में इधर आप यूरोप की कंट्री के अलावा मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हो, तो एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। आप उस इन एजेंसी से अगर कांटेक्ट करते हैं, उनका पर्टिकुलर फेसबुक है, यूट्यूब ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, उनके पर्टिकुलर ऑफिस है, उनसे ग्रुप से अगर आप जुड़ेंगे तो भाई उनके पास अगर वैकेंसी, अगर आपकी एलिजिबिलिटी उनकी वैकेंसी की जो क्राइटेरिया उनसे मिलती है तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। और देखो यार, मेहनत करोगे, सर्च करोगे तो सब कुछ होने वाला है। आज का एक सवाल था कि परमिंदर सिंह जी का है, वो सिंगापुर आना चाहते हैं, तो सिंगापुर आने के लिए उनके मन में एक सवाल था, तो स्क्रीनशॉट पर वो सवाल आ रहा है, कोटे के लिए कंपनी का सीपीएफ कितने टाइम पे करना होता है। तो बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि देखो ऐसा होता है, सिंगापुर में बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जो फॉरेनर वर्कर को अप्लाई के लिए चाहिए तो उनको कोटा क्रिएट करना पड़ता है। तो कोटा के लिए सीपीएफ एक होता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, अगर आपको जानते होंगे कि सिंगापुर की कोई रजिस्टर्ड कंपनी है अगर किसी फॉरेनर्स को हायर करना चाहती है तो मिनिमम 10 सिंगापुरियंस लोगों का मैन पावर, 10 मैन पावर लोगों का सीपीएफ जमा करना जरूरी है, यानी 10 मैन पावर होनी चाहिए। अब सीपीएफ कैसे होता है, तो देखो एक सीपी जैसे अपने इंडिया में प्रोविडेंट पीपीएफ करके फंड होता है, तो ईपीएफ होता है या पीपीएफ होता है, जैसे कंपनी में हम काम करते हैं तो कंपनी आपके अकाउंट में कुछ डालती, तो इसी तरह से अगर आप सिंगापुर में आपकी आपका एम्प्लॉयर है उनको सीपीएफ जमा करना पड़ता है कि उनकी कंपनी में 10 सिंगापुर है, तब जाके कोटा बनता है। और ये कोटा कितने दिनों बाद बनेगा, कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मेरी एक कंपनी है सिंगापुर में, ठीक है, तो मेरे को फॉरिनर वर्कर लेने हैं तो उसमें एक वर्क परमिट पर एस पास पर तो कैसे मैं ले सकता हूं, तो सबसे पहले मुझे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा सिंगापुर में कंपनी को और 10 सिंगापुरियंस को मेरे को जॉब देनी पड़ेगी और उन 10 सिंगापुरियन का मुझे सीपीएफ भरना पड़ेगा। तो और जो सीपीएफ मिनिमम जो क्राइटेरिया 3 से 4 महीने मुझे भरना पड़ेगा तब जाके कोटा क्रिएट होगा। अगर 10 की मैन पावर है तो एक वर्क परमिट और एक एस पास और 2 मलेशियन वर्क परमिट हम हायर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर 10 सिंगापुरियन का हमारे पास मैन पावर, अगर सिंगापुरियन का सीपीएफ हम भरते हैं 4 महीने तक, तो हमारे पास 4 लोगों की वैकेंसीज का कोटा आता है जिसमें एक वर्क परमिट होता है, एक एस पास होता है और 2 मलेशियन के वर्क परमिट होता है। तो जो वर्क परमिट वो चाइना वाले भी हायर कर सकते हैं और जो एस पास वो इंडियन, वियतनाम, किसी भी कंट्री से कहते। तो कहने का मतलब 3 से 4 महीने हमें सीपीएफ भरना पड़ेगा। मिस कंपनी आप जैसे आपकी कंपनी है, आपने 10 सिंगापुरियंस को हायर कर रखा है, उसको 3 महीने तक करा, 3 महीने के बाद कोटा क्रिएट हो जाता है। आई होप सो आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। आपका और भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।